कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तहलका मचा दिया है। इसी बीच राजस्थान के कोटा शहर में एक ऐसा भयानक मामला सामने आया है जहां 24 घंटे में 32 साल की एक महिला के दोनों फेफड़े खराब हो गए। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल ये मामला कोटा का है। यहां एक 32 साल की महिला का 9 तारीख को एक्सरे कराया था तो वो ठीक थी। 12 तारीख तक भी वो महिला ठीक थी। बीपी, ऑक्सीजन लेवल, एक्सरे सब ठीक था। इसके बाद 12 तारीख की रात को घबराहट महसूस हुई। महिला 13 तारीख को खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सांस लेने में दिक्कत हुई तो चेक करने के बाद पता चला कि ऑक्सीजन लेवल 94 था। 13 तारीख को सिटी स्कैन कराया तो उसके दोनों लंग्स में 80% तक इन्फेक्शन लग चुका था। ये देखकर कोटा के स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के डंग भी चकित रह गए कि मात्र 24 घंटे में लंग्स इतने खराब हो सकते हैं। उन्होंने इंदौर के विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श किया तो उन्होंने बताया कि ये नया स्ट्रेन है जिस वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि ये नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। ये युवाओं में भी बहुत तेजी से लंग्स इन्फेक्शन फैला रहा है। हमें इस केस से सबक लेना चाहिए कि लक्षण दिखते ही जांच करानी चाहिए क्योंकि कोरोना अब समय नहीं दे रहा है। बीपी, ऑक्सीजन लेवल, एक्सरे सब ठीक होने के बावजूद भी एकदम लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है।